बाबू 6 गो अंडा दिया तो क्या गो? 6 ठो। दीदी अंडा किने लाएगी ना, कोई मेहमान आया तू का? चल बाहरे जाके बात करबे। चल का पूछत रही थे? जो मेहमान आ रहा था उनकी का जिन पूछत रही हो? ना हम टमाटर लगा ही है, से ओकर में फूल गिरे लग है और कीड़ा भी लग जाए है, से ले दवाई बना ले अंडा किने आई। हाँ दीदी अंडा के भी दवाई बनौला? हाँ अंडा के दवाई बनौला, एकर बारे में तो यार जनस चाहे ली का। हाँ चल घरे जाके बात करबे। चल तब। हाँ दीदी तखन बता रही कि अंडा के दवाई बनौला। दीदी के तो हम तो जानत रही कि बाल में लगाते ना, लेकिन दवाई भी बनौला? हाँ दीदी दवाई बनौला। दीदी के तो हम पहली बार सुना थी दवाई बनौला से के जाना थी। दीदी हम टमाटर के फसल लगाए, उकरोहो में कीड़ा लग जाए हथुन, जे दवाई बनाबे वो हमरो फसल में काम आता हो दीदी? हाँ दीदी तहूँ जो लगा ही फसल में उकरो में काम आता हो और आरो फसल सब में काम आता हो। हाँ दीदी ऐसा नहीं होएला? हाँ ऐसने होएला। ये दवाई के बनाई के बतावे का? हाँ बताबो, असल तो अंडा किन के लाइन है। चल तो के बताओला। नींबू अंडा के दवाई बनाए के लिए ज़्यादा सामान के जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दवाई बनाए के लिए नींबू लगतो और अंडा लगतो, ओकर बाद एगो प्लास्टिक के डिब्बा लगतो। ई डब्बा के ढक्कन टाइट रहना चाहिए और हवा नहीं घुसे के चाहिए। हाँ हाँ प्लास्टिक के डब्बा ही का है ले, खुला बर्तन में नहीं रख सकी लद्दी? हम प्लास्टिक के ढक्कन वाला डब्बा यह ले लिए ला ताकि कोई गिराए नहीं देवे और ये दवाई बंद रहले ही अच्छा से तैयार होएला। सबसे पहले नींबू के काटबे दीदी। काटल वाला नींबू के अब यहाँ डिब्बा में निचोड़बे। अच्छा अच्छा से करत दीदी, थोड़ा रस के बढ़िया से निचोड़बे। अच्छा ठीक। अब एक छान लेबे। काहे लेके छाना थी? एकर बीज नहीं जाते हुआ सेले आर के बढ़िया से छानबे, एकर गर्दा सब नहीं जाते। अब तो ये छाना गेलो दीदी, अब एक प्लास्टिक के डिब्बा में डालबे। दीदी के तो तनी बता ले के नींबू के रस कितना चाहिए? 1 लीटर। हाँ दी 1 लीटर चाहिए? हाँ 1 लीटर चाहिए। अब एकर में 6 गो अंडा डालबे और साफ करके डालबे। साफ की करे पड़े लंदी? हाँ साफ करके नहीं डालबे, एकर में गंदा रहला की। अब एकर में अच्छा से बंद कर देबे टाइट करके ताकि एकर में हवा नहीं घुसते। हाँ दीदी अब एक सड़ावे के लिए 25 से 30 दिन छोड़ दिए खेत। 25 दिन? 25 से 30 दिन लगते? हाँ दीदी 25 से 30 दिन लगते। एक दो बात याद रखबे दीदी, एक एक खोले के नखो और हिला के नखो, जब तक ले अंडा पूरी तरह से घुल नहीं जाता तब तक ले के हिला के भी नखो और खोले के भी नखो। अब ये दवाई तैयार हो जाता हो? हाँ दीदी दवाई बने के लिए 1 महीना में तैयार हो जाता हो, और एक लगाए से तोर फसल और अच्छा से तैयार हो जाता हो। Thank you.
दीदी का सोचा थी, हमार जगन पहले से दवाई बचल हो, अकेले के छिड़काब। ठीक हो दीदी। और एक तो बात है दीदी, से के बताए के लिए भुला थी हो। का बात है दीदी? 30 मिलीलीटर दवाई के 10 लीटर पानी में मिलाए के पौधा में छिड़का ले, फायदा होवेला। जे दीदी दवाई के मात्रा बतालीस उतने है लगता हूँ। हाँ दीदी उतने लगते हैं तो हम इनके फसल खराब हो सकेला। हाँ दीदी दवाई के बनाए के लिए बतालीस तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर जोहर। समझौता ना करने वाले बिंदु, नींबू अंडा दवा बनाने के लिए नींबू अंडा बर्तन ढक्कन वाला डब्बा और चाकू की जरूरत पड़ती है। नींबू को काट कर उसका रस निचोड़ लें। 1 लीटर नींबू के रस में 6 अंडा डालें और ढक्कन बंद करके 25 से 30 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दें। जब तक अंडा सड़ ना जाए तब तक डब्बा को खोलना या हिलाना नहीं है। जब दवा बन के तैयार हो जाए तो 30 मिलीलीटर दवा में 10 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। हाँ तो किसान भाई भाई बहन मने तो ही नेखन तो देखला कि नींबू अंडा की दवाई कैसन बनाई से जायला। और ये नींबू अंडा की दवाई एक आसान तरीका से बनाए वाला एक कीटनाशक और फसल के बढ़ाए वाला दवाई लगे और पौधा में होवे वाला बीमारी से बचाए वाला दवाई लगे। नींबू अंडा की दवाई के छिड़काव से होने वाले फायदे। नींबू अंडा की दवाई फसल को कीड़ों से बचाता है। इस दवा के छिड़काव से फसल की बढ़ोतरी अच्छी होती है। यह दवा पौधों को अनेक बीमारियों से बचाता है।